नमस्कार जोहार। हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी अगर हमारे दुर्गा पूजा के बारे में कुछ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, उनकी मिमिक्री करके आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे माफ करना। आइए सुनिए। पूजा की पावन अवसर पर मैं सभी भाइयों और बहनों, खास करके मेरे बंगाली भाइयों बहनों को हार्दिक अभिनंदन। हिंदुस्तान तथा दुनिया की मेरे सभी मुसलमान भाइयों और बहनों को मुहर्रम की शुभकामनाएं। मेरे प्यारे मित्रों, भारत के इतिहास में एक सुनहरा अवसर आया है। माता दुर्गा तो आई है, साथ में मुहर्रम का त्योहार भी आया है। कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। भाइयों बहनों, लोग कहते हैं देश में पश्चिम की सभ्यता आ गई, पश्चिम की सभ्यता आ गई। मैं कहता हूं क्यों नहीं आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। लेकिन मित्रों, मैं उस पश्चिम की बात नहीं, मैं इस पश्चिम की बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, पश्चिम उड़ीसा की बात कर रहा हूं। मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, माता दुर्गा पश्चिम उड़ीसा के संबलपुर में जो माता समलेश्वरी के नाम से परिचित है, इसे मैंने एक दिन के लिए अपने उग्र रूप छोड़ के माता श्वेत वर्ण में भक्तों को गंगा रूप में दर्शन देती है। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल का दूसरा नाम अगर मैं दुर्गा पूजा बोलूं तो यह कुछ गलत नहीं होगा। मेरे मित्रों, प्रणबदा मेरे बड़े भाई की तरह है। उन्होंने मुझे बातों बातों में एक दिन कहा, नवीन, हमारे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को जब माता आती है उन्हें भगवान नहीं माना जाता, अपने घर का सदस्य माना जाता है। पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले में इतनी मिठास नहीं। मैंने क्या कहा आपने सुना? बंगाल के रसगुल्ले में इतनी मिठास नहीं जितनी मिठास यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा में है। दादा, आमी किसी बोल बोलते कि इस दुर्गा पूजा की पावन अवसर पर जगत जननी माँ दुर्गा आप सभी के घर में खुशियां ले लाए। मित्रों, मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि दीदी बड़ी है या माता, इस उमड़ता हुआ जनसैलाब को देख के मित्रों मुझे यह विश्वास हो गया है कि पश्चिम बंगाल में अब दीदी की नहीं देवी का राज चलेगा, मां दुर्गा देवी का राज चलेगा। मैं कुछ गलत कहा क्या?